वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम है ओमकार और आज के इस वीडियो के अंदर हम फॉर्च्यूनर 4x2 डीजल का एक वॉक अराउंड रिव्यू देने वाले हैं। और ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ना, ये एक फॉर्च्यूनर का बेस मॉडल है, डीजल के अंदर का बेस मॉडल है, पेट्रोल के अंदर का बेस मॉडल नहीं है। तो यहाँ पे आज इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले कि इस गाड़ी के अंदर आपको जो क्या कुछ चीज़ें मिलती है, बिकॉज इस गाड़ी की जो कीमत है ना वो अराउंड 34.9 लाख रुपीज़ है, जो कि इसकी एक शोरूम कीमत है 40 लाख के आसपास तो निकल जाएगी। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, ये कुछ आपको इसकी लुक्स मिलती है। बेस मॉडल है, दूसरी गाड़ियों जैसा नहीं है कि आपको अलॉयज नहीं मिलेगी, ये नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा। आपको बेस मॉडल के अंदर भी वो सारी चीज़ें मिलती है जो कि एक प्रीमियम गाड़ी में आती है। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, लुक्स तो मतलब सबको ही पता है, भोकाल है एक, तो काफ़ी तगड़े लुक्स मिलते हैं आपको। और वहाँ पे आप जैसे कि ये अपना सिद्धांत भाई देख रहे हैं, तो ये एक नॉर्मल गाड़ी है, और ये फैजान भाई अपना एक मतलब तगड़ी गाड़ी है, फॉर्च्यूनर गाड़ी है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मसल्स वगैरह देख सकते हैं आप, तो ऐसे मसल्स आपको इस गाड़ी के अंदर भी मिलते हैं। अलॉयज वगैरह आप देख सकते हैं, 17 इंचेस के अलॉयज है, और डिस्क आपको जो ये चारों व्हील्स के अंदर मिलते हैं। तो इसको एक बार मैं आपको बूट अनलॉक करके दिखाता हूँ। इलेक्ट्रॉनिकली इसकी बूट अनलॉक होती है, तो की से ही आप इसको जो ये खोल सकते हैं। तो ये तो हो गया मतलब प्रीमियम गाड़ी वाला फीचर, तो ये भी आपको इसके जो बेस मॉडल में ही मिल जाता है। स्पेस की अगर हम बात करें तो 200-250 लीटर की तो यहाँ पे जो स्पेस रहेगी, तो लगेज जो इसके अंदर ठीक ठाक से जो बैठ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ी स्पेस है, और इसको आप जो है फोल्ड भी कर सकते हैं। तो यहाँ से शायद से इसको फोल्ड करना पड़ता है, तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ से फोल्ड होती है, और यहाँ पे ये ऊपर के साइड में जो ये लटक जाती है। तो यहाँ पे ये आप लटका के जो ये इसकी स्पेस बढ़ा सकते हैं। फैजान भाई थोड़ी सी हेल्प कर देना। हाँ, ये वाला भी सीट हमें फोल्ड करना है, फोल्ड करना है। यस, फिर से अनफोल्ड करेंगे, यहाँ से साइड से अनलॉक करना पड़ता है। ओके, सो अभी ये हो गया, और यहाँ पे ऊपर लटकता है। तो इसके बाद आप स्पेस देखना, काफ़ी बड़ी स्पेस बन जाती है। तो यहाँ पे मतलब कोई भी आराम से बैठ भी सकता है, सो भी सकता है, पिकनिक पे अगर आप जाओगे ना तो आपके काम में आ सकता है, लगेज बहुत ज़्यादा बैठ सकता है। और इसको फिर से नीचे कर लेते हैं, क्योंकि हमें पिछले सीट्स के ऊपर बैठ के भी दिखाना है। तो ये हो गई अपनी सीट्स नीचे, एंड इसके अंदर रिक्लाइनिंग का एंगल है या नहीं मुझे ये देखना है। तो शायद से इसके अंदर रह सकता है रिक्लाइनिंग एंगल। यस, तो ये रिक्लाइन भी होती है यहाँ पे, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो ये रिक्लाइन हो गई सीट्स, अभी कंफर्टेबली पीछे के जो पैसेंजर है वो बैठेंगे, बट बूट स्पेस में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। अगेन बूट बंद करनी है तो यहाँ पे बटन दिया है, यहाँ पे हाइड्रोलिक्स वगैरह सारी चीज़ें दी है। और भाई ये है गाड़ी की ओवरऑल लुक्स, मुझे पर्सनली बहुत पसंद है ये गाड़ी, और मतलब और आप में से भी कई सारे लोग पसंद होगी, आपका भी सपना होगा या आपको लेनी होगी, आपका बजट होगा इतना। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, ये क्रोम डोर हैंडल्स दोनों साइड में जो ये आपको रिक्वेस्ट सेंसर्स मिलते हैं डोर के, यहाँ पे जो आपको क्रोम की लाइनिंग मिलती है, ये पिछली विंडो वगैरह भी आप देख सकते हैं। ये जो विंडो, इतना मैं पार्ट देखता हूँ ना तो मुझे जो पुराना वाला फॉर्च्यूनर का मॉडल है ना वो याद में आता है। बाकी तो आप यहाँ पे स्पॉयलर वगैरह भी देख सकते हैं, पीछे एक छोटा सा स्पॉयलर टाइप का आपको यहाँ पे मिलता है। यहाँ पे जो स्टॉप लैम्प रहती है वो दी गई है, ऊपर यहाँ पे एक हिडन जो ये जो वॉशर है वो दिया है, पीछे की जो विंडो है वो क्लीन करने के लिए। वाइपर भी आप देख सकते हैं, काफ़ी बड़ा और फंक्शनल वाइपर ये रखता है, क्योंकि कई सारी गाड़ियों में सिर्फ इतना वाइपर रहता है। मर्सिडीज़ के कोई GLE में था शायद से, तो GLA में था शायद से, इतना ही वाइपर था। और यहाँ पर जो आपको डिफॉगर्स वगैरह भी मिलते हैं। बाकी तो मतलब काफ़ी प्रैक्टिकल गाड़ी है, आप इसको जो ये ऑफरोडिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। पीछे फॉर्च्यूनर की क्रोम की पट्टी में आपको ब्रांडिंग मिलती है, और ये कुछ आपको जो यहाँ पे फुट स्टेप वगैरह में मिलती है। ओवरऑल जो लुक्स है वो मतलब उसकी क्या ही बात करें यार, ये तो मतलब सबको ही पता है कि ये एक सिग्नेचर मतलब स्टेटस सिंबल है किसी भी आदमी के मतलब रिच होने का। यहाँ पे आप देख सकते हैं हेडलैम्प के अंदर आपको LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिलती है, नीचे आपको यहाँ पे जो DRLs वगैरह भी मिलती है, तो इसको ऑन करके भी दिखाऊंगा। एंड यहाँ पे आप इसका अगेन क्रोम का जो काफ़ी बड़ा पार्ट देख सकते हैं। ग्रिल्स आप देख सकते हैं, पैनो ब्लैक फिनिश में ग्रिल्स आती है। टोयोटा का काफ़ी बड़ा सा यहाँ पे आपको लोगो मिलता है, जो कि मेरे पंजे से भी बड़ा है, तो बहुत बड़ा लोगो है। और नीचे यहाँ पे जो ये अगेन LED फॉग लैम्प्स, और इसके अंदर आपको जो ये एक यहाँ पे पार्किंग सेंसर भी दिख रहा होगा, और यहाँ पे जो ये एक पूरी अगेन पैनो ब्लैक फिनिश में ग्रिल है। नीचे अगर आप यहाँ पे देखें ना तो यहाँ पे भी एक लाइट लगी है, तो ये यस, तो यहाँ पे टर्निंग इंडिकेटर्स दे रखे हैं नीचे के साइड में भी। और यहाँ पे अगेन आप देख सकते हैं ये साइड में भी टर्निंग इंडिकेटर्स, और यही कुछ बाहर से लुक है। पर्सनली यार मतलब बहुत ज़्यादा तगड़ी दिखती है, 2022 का मॉडल है, और लिटरली मतलब
क्या ही करूँ कहूँ मैं इस गाड़ी के बारे में। लुक्स तो बहुत ही ख़तरनाक आपको मिलते हैं, ख़तरनाक ही कहूँगा मैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपको चारों जो ये ऑटोमेटिक विंडोज़ मिलती है इस गाड़ी के अंदर, सेंट्रल लॉकिंग, ये साइड की ORVMs जो आपकी रहती है, साइड मिरर्स, वो आप यहाँ से जो है ऑपरेट कर सकते हैं। डोर हैंडल आपको क्रोम का मिलता है। डोर पैनल एक बार आप देख लीजिए, ये डोर पैनल है इस गाड़ी का। यहाँ पे ऊपर ट्विटर, नीचे स्पीकर और बोतल होल्डर नीचे। यहाँ पे एक लास्ट जो मतलब डोर लैम्प रहता है, पडल लैम्प जिसको हम बोलते हैं शायद, तो वो भी आपको यहाँ पे मिलता है। और यहाँ पे सीट जो है ये भी इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल है। वैसे डीजल गाड़ी है तो मेन चीज़ क्या रहती है, पावर। 201 PS की पावर मिलती है और 420 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क। तो टॉर्क और पावर तो आपको बहुत अच्छी मिलती है। और सिर्फ नंबर्स पे मत जाइए, ये गाड़ी चलाने में जो मज़ा है ना, वो मैंने एक्सपीरियंस किया है। हालांकि वो मतलब थोड़ा अलग मॉडल आता था पहले, तो वो मैंने पुराना वाला मॉडल चलाया है, बट जो मज़ा है ना वो अभी भी कंटिन्यू होता है। थोड़ा सा मतलब जो बॉडी रोल रहता है ना वो है इस गाड़ी के अंदर, बट मतलब जो चलाने में मज़ा है वो काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपको एक डिस्प्ले मिलता है जिसको एक बार मैं ऑन कर लेता हूँ, तो यहाँ पे मुझे ऑन करना पड़ेगा। सो अभी ये स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे, जैसे कि आप देख सकते हैं टोयोटा का यहाँ पे लोगो आएगा। और मैं तो कहूँगा कि जो फॉर्च्यूनर, जो लैंड क्रूज़र और जो टोयोटा इनोवा क्रिस्टा है ना, ये मतलब सबसे ज़्यादा चलने वाली टोयोटा की गाड़ियाँ है, मतलब सबको ही पता है वो। और यहाँ पे इस डिस्प्ले के अंदर जो आपको मेन्यू के अंदर काफ़ी सारी ये फंक्शंस मिलेगी, ऐप्स वगैरह का यहाँ पे आपको कुछ मिलता है। स्मार्ट लिंक का आपको इसके अंदर एक ऑप्शन मिलता है। और ऑडियो के अंदर हम एक बार इस गाड़ी के जो स्पीकर्स है वो चेकआउट कर लेते हैं। भाई फॉर्च्यूनर है तो साउंड क्वालिटी तो मतलब आपको काफ़ी अच्छी खासी मिल जाती है, और सिर्फ नाम के लिए नहीं, सच में अच्छी है। ऊपर आपको यहाँ पे जो सनग्लास होल्डर मिलता है, यहाँ पे वैनिटी मिरर्स विद आपको लाइट मिलती है दोनों ही साइड में। तो जैसे कि मैं हर बार कहता हूँ, ये जो चीज़ है ये आपके मतलब घर में कोई लड़कियाँ है, आपकी गर्लफ्रेंड है, तो उनके काम में आ जाएगी, बिकॉज मेकअप करने के लिए काफ़ी काम की चीज़ है। यहाँ पे दो दो आपको जो ये स्टोरेज बॉक्स मिलते हैं, ये वाला आप देख सकते हैं। इसके ऊपर जो ये काफ़ी एक प्रीमियम टच दिया है, लेदर फिनिशिंग यहाँ पे जो आपको मिलती है। और ये जो पूरा डैशबोर्ड है ना, ये हार्ड प्लास्टिक से बना है। यहाँ पे अगेन आपको जो ये थोड़ा सा फैब्रिक का फिनिश, मतलब जो लेदर का फिनिश रहता है वो मिलेगा, फैब्रिक का नहीं। और यहाँ पे आपको 200 की टॉप स्पीड मिलती है इस वाले मॉडल के अंदर। डीजल गाड़ी है और ये इसका RPM मीटर। यहाँ पे भी आपको जो एक ग्लो बॉक्स मिलता है, जैसे कि आप देख सकते हैं नीचे भी काफ़ी बड़ी स्पेस है। और ये जो सामने की दोनों सीट्स हैं, ये वेंटिलेटेड सीट्स है। यहाँ पे इसके आपको जो ये कंट्रोल्स मिलते हैं वेंटिलेशन के, तो भाई बेस मॉडल के अंदर ही आपको वेंटिलेटेड सीट्स मिलती है। यहाँ पे USB पोर्ट, ऑक्स का पोर्ट, यहाँ पे 12 वोल्ट का डॉक, 12 वोल्ट का ही है ना, यस। एंड यहाँ पे थोड़ी सी स्टोरेज स्पेस, अगेन यहाँ पे नीचे थोड़ी सी स्टोरेज स्पेस। यहाँ पे इको मोड, नॉर्मल मोड, स्पोर्ट्स मोड, ऐसे ऑप्शन मिलते हैं। 4x4 में आपको एक और भी नॉब जो है मिल जाएगा, 4x4 का IMT का यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे आपको ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन मिलता है। एंड यहाँ पे ये कुछ अगेन हैंडरेस्ट के अंदर आपको स्टोरेज स्पेस मिलती है। एक चीज़ बताऊँ ना यार, तो बहुत प्रीमियम है गाड़ी, और बैठने के बाद आपको एक अलग ही फील आता है, जो कि आपको अगर आप बहुत मतलब जहंगी पहंगी दिखने वाली कोई गाड़ी लोगे ना, मतलब बहुत जिसको हम बोलते हैं ना फैंसी कार्स बोलते हैं हम, तो वो वाला फील तो आपको यहाँ पे नहीं आएगा, बट आपको बैठने के बाद एक प्रीमियम फिनिश डेफिनेटली आएगा। और यहाँ पे और एक चीज़ की, यहाँ पे आपका पैर जो है ये काफ़ी बार टच होगा, तो यहाँ पे भी जो ये लेदर का एक फिनिशिंग दिया है, तो ये आपको जो ये ज़्यादा मतलब इरीटेट नहीं करेगा। बाकी तो सीट्स आप देख सकते हैं काफ़ी कंफर्टेबल है। और चलते हैं पिछले सीट्स के ऊपर, और ओके तो फैजान से भी बात करेंगे, और फैजान को मतलब कैसा लगता है वो भी देखेंगे। यहाँ पे स्टार्ट स्टॉप का बटन, और यहाँ पे और भी जो है कई सारे बटन्स हैं। ये एक बार मैं आपको इसका इंजन जो है खोल के दिखाता हूँ, बिकॉज फैजान अभी भी थोड़ा सा बिजी है, और वो फ्यूल का लीड खोलने के लिए भी वहाँ पर ही बटन दिया है। डोर भी काफ़ी हैवी है यार, एक बार फिर से आपको दिखाता हूँ, थोड़ा वाइड एंगल में दिखाता हूँ। मज़ा आ गया, दरवाज़ा बंद करने में ही मज़ा आता है इसका। एंड यहाँ पे अगेन इसका फ्रंट हेडलैम्प्स वगैरह आप देख सकते हैं, नीचे DRLs दी है, तो यहाँ पे इसकी DRLs है, यहाँ पे DRL जैसा दिखता है अगेन, तो यहाँ पे भी शायद से लाइट लगती होगी, मुझे तो पहले वही वाले DRLs लगी थी। और ये बहुत हेवी होने वाला है, तो इसको खोलते हैं। ओ भाई, एक हाथ से तो नहीं खुल रहा भाई, अभी खुल रहा है। बहुत ही ज़्यादा हेवी है यार, मतलब
एक्सप्लेन नहीं कर सकता। आपके पास में अगर टोयोटा का शोरूम होगा ना तो सच में एक बार ट्राई कर लो, बहुत ज़्यादा हैवी है। और यहाँ पे ये अगेन जो है आपको यहाँ पे लटकाने के लिए हुक, ये हाइड्रोलिक नहीं है। और इसको मैं बंद करता हूँ यार, कैसे बंद करूँ? ओके, इसको खुला ही छोड़ देते हैं, फैजान को भी लगेगा बाद में। और चले गए इसके रेयर सीट्स के ऊपर। तो वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो रहा है, बट यहाँ पे एक बार आपको ठीक से दिखा देता हूँ। ये हो गई इसकी पिछली सीट्स, और यहाँ पे पॉकेट्स वगैरह दिए है। यहाँ पे कुछ 4kg का आपको एक हुक भी मिलता है, यहाँ पे आप 4kg का जो है ये सामान थोड़ा सा लटका सकते हैं। यहाँ पे अगेन 12 वोल्ट का जो है डॉक, ऊपर AC के कंट्रोल्स, ब्लोअर के कंट्रोल्स है वैसे। और यहाँ पे अगेन रीडिंग लैम्प, आगे भी यहाँ पे जो ये कुछ इस तरह के LED रीडिंग लैम्प जो ये मिल जाते हैं। AC के ब्लोअर्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, उसके पीछे जो पैसेंजर बैठे थे उनके लिए भी यहाँ पे जो ये 2 ब्लोअर्स दिए हैं। और ये अगेन आपको जो ये जो मिडल में पैसेंजर बैठेगा उसके लिए यहाँ पे ये सीट बेल्ट मिलता है। सेफ्टी तो काफ़ी अच्छी। फैजान कितने एयरबैग्स है? नी एयरबैग है, फ्रंट के एयरबैग्स है, यहाँ पर साइड में एयरबैग्स है। ओके, तो जैसे कि फैजान मतलब हमारी फॉर्च्यूनर है तो भाई बस ना कितनी बेइज्जती कराएगा फॉर्च्यूनर की। ओके फैजान भाई वैसे फॉर्च्यूनर से भी ग्रेट है, बट अभी वो खुद को इतना ज़्यादा भाव नहीं दे रहे, हाँ दिखाना नहीं चाहते। सो यहाँ पे एक बार हम पीछे जाके देखते हैं, ये सीट यहाँ पे थोड़ी अटक गई थी। एंड ये इसकी थर्ड रो है, सो थर्ड रो पे आ चुके हैं। और सीट को हम, ओ भाई कितना हैवी सीट भी, बहुत ज़्यादा तगड़े। सो यहाँ पे ये इसकी थर्ड रो है, अभी तो मुझे काफ़ी कंफर्टेबल फील हो रहा है, बट जब भी आप थोड़ा सा इसको रिक्लाइन करोगे तो थोड़ा मतलब दिक्कत आ सकता है। वैसे मेरी हाइट है 6.1, यहाँ पे आप हेडरूम वगैरह भी देख सकते हैं पिछले सीट्स के ऊपर। यहाँ पे आगे तो ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं आती है, बट जो यहाँ पे ये जो लास्ट वाली सीट है ना, यहीं पे जो है दिक्कत आ सकती है। और अगेन यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे भी थोड़ी सी स्टोरेज स्पेस है, और यहाँ पे बस ये सीट बेल्ट वगैरह है। तो ये कुछ चीज़ें आपको पीछे की सीट्स के ऊपर मिलती है। यहाँ पे विंडोज़ वगैरह भी काफ़ी बड़ी बड़ी दे रखी है, तो व्यू वगैरह काफ़ी अच्छा आएगा। फैजान की एक बार आप की भी देख लीजिए, ये कुछ 3 बटन आते हैं बूट वगैरह अनलॉक करने के लिए। भाई की लाइट की से ये की लेना, की मेरे पास नहीं है तो तेरे पास दे रहा हूँ मैं, अच्छा ले लूँ। ओके सो चलते हैं गाड़ी के बाहर, और कुछ और भी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो ये शायद से आगे थोड़ी सी करके यहाँ पे अटक रही है, ये सीट आगे है। अच्छा ओके, मैंने कब किया भाई, ये फुटस्टेप काफ़ी काम में आता है वैसे। चलो बात करते हैं, ये टेल लैम्प भी देख लीजिए एक बार, काफ़ी मतलब खूबसूरत लगती हैं। और जो कीमत है वो तो मैंने आपको बोली है, 34.9 लाख रुपीज़ इसकी कीमत है। अगर हम बेस मतलब ये डीजल में बेस मॉडल है, अगर हम इसके रियल में मतलब जो सबसे सस्ता वाला मॉडल आता है ना फॉर्च्यूनर का, उसकी अगर हम बात करें ना तो वो 32.4 लाख का कुछ तो भी आता है, जो कि पेट्रोल मॉडल है। तो ये कुछ आपको चीज़ें मिलती है फॉर्च्यूनर के डीजल वाले 4x2 बेस मॉडल के अंदर। तो बस आज के वीडियो के लिए इतना ही था। अगर आपको आज का ये वाला वीडियो कुछ भी यूज़फुल लगा हो तो आप ज़रूर से इस वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आपको कुछ और भी क्वेश्चंस हो गए इस गाड़ी को लेके तो आप ज़रूर से जो है नीचे कमेंट डाल के पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वाली ACM सिंह वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।